हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, उसके अंदर रिसेप्टर का टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि ये जो आने वाला वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, रिसेप्टर का वीडियो है। इसमें से अक्सर एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसके अंदर आई स्ट्रक्चर, ईयर स्ट्रक्चर और नेजल एपिथीलियम सेंसेज है, वो इसके अंदर आते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे, आई स्ट्रक्चर की बात पहले करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, पहले इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो इस टॉपिक को चलो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है अपनी आई स्ट्रक्चर, किस प्रकार से अपनी आई अपने अंदर इमेज फॉर्म करती है, इसके अंदर ब्रेन का क्या रोल है। तो ब्रेन अपन ने किया था, तो वहां पर मैंने एक बताया था विजुअल कॉर्टेक्स है, जो कि ब्रेन के अंदर उपस्थित है और इमेज फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल है। तो किस प्रकार से एक ट्रैक्ट बनता है इसके अंदर, कैसी स्ट्रक्चर है, तो आइए हम बात करते हैं अपने आई स्ट्रक्चर की। तो आई स्ट्रक्चर की अपन देखें, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपने अंदर एक पेयर, वन पेयर आई बोल होती है, जो प्रेजेंट होती है, जो पोजिशनाइज है, फ्रंट साइड ऑफ द हेड अपने पोजिशनाइज है और दे आर सिचुएटेड इनसाइड ऑफ द आई ऑर्बिट। तो अपने अंदर दो आई ऑर्बिट है और उसके अंदर प्रत्येक आई है, आई बोल है, वो अंदर सिचुएटेड रहती है। आई बोल की स्ट्रक्चर अपन देखें तो पूरी की पूरी आई बोल एक टेनिस गेंद लाइक स्ट्रक्चर है। टेनिस की जो गेंद आपने देखी है, या अपन एक बड़े लेमन लाइक स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, तो उस टाइप से एक आई बोल होती है। एक अपन कह सकते हैं, या जनरली अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये एक आई बोल है, ये स्ट्रक्चर आई बोल उपस्थित होती है और इसके पीछे एक ऑर्बिट होता है जो बोनी सॉकेट के रूप में पाया जाता है और इसे आई ऑर्बिट कहते हैं। इस आई ऑर्बिट में आई बोल प्रेजेंट होती है। आई बोल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पीछे मसल्स रहती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि यहाँ दो प्रकार की मेनली मसल्स है। एक मसल्स को आप कहोगे रेक्टस टाइप की मसल्स, एक मसल्स को आप कहोगे रेक्टस प्रकार की मसल्स, और दूसरे प्रकार की मसल्स को आप कहोगे ओब्लिक प्रकार की मसल्स। यहाँ तो दो प्रकार की यहाँ मसल्स है जो आई बोल की मोमेंट को कंट्रोल करने में यहाँ पर हेल्पफुल है। तो रेक्टस और ओब्लिक किस प्रकार से, ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है, ये इस प्रकार से ओब्लिक रेक्टस ये मसल से व्यवस्थित रहती है। तो मैं आपको कहूंगा कि रेक्टस जो है, फिर यहाँ पर फोर टाइप की मसल्स है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियन रेक्टस, तो फोर टाइप की ये रेक्टस मसल्स है। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड ओब्लिक टाइप की जो मसल्स है वो टू टाइप की है, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स और इंफीरियर ओब्लिक मसल्स। ये मसल्स है वो आई बोल की मोमेंट को कंट्रोल करता है। अपन देखते हैं बोल को कभी बाहर निकाल जाते हैं, कभी अंदर ले जाते हैं, तो मीडियन रेक्टस इसमें काम कर रही है, या सेंट्रल रेक्टस अपन कह रहे हैं। लेटरली कई बार आई को ले जाते हैं, तो यहां पर लेटरल रेक्टस है, यहां पर फंक्शन कर रही है। इसी प्रकार आई बोल को अपन अपर एंड लोअर मूवमेंट करवा रहे हैं, तो इसमें भी सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक, या सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स है, ये चारों तरफ से बोल को मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल रहती है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ये मसल्स का, जो बोल को क्या है कंट्रोल कर रही है, यहां पर मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब अपने इस बोल के अंदर की तरफ चले, तो बोल को अपन देखें, इसका सेजिटल सेक्शन ले, सेजिटल सेक्शन लेने पर आपको अंदर से क्या दिखाई देगा। इस बोल के अंदर आप देखोगे मेनली इसमें थ्री लेयर्ड होती है। तो ईच आई बोल सराउंडेड बाय थ्री लेयर्स। फर्स्ट इज स्केलरा लेयर, फर्स्ट लेयर है स्केलरा लेयर है, सेकंड लेयर है यहां पर कोरोइड लेयर है, और थर्ड लेयर है यहां पर रेटिना लेयर। तो फिर मैं आपको एक बार बताऊं कि ईच आई बोल है, ईच बोल आई बोल के सराउंडिंग यहाँ तीन लेयर है जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे गई है। आउटर लेयर इज स्केलरा लेयर, मिडल लेयर इज कोरोइड लेयर, एंड इनर लेयर इज रेटिना लेयर। ये तीन लेयर यहाँ उपस्थित है। इसी प्रकार सेंटर के अंदर एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, जहां पर एंटीरियर पार्ट में जिसे अपन लेंस कहते हैं, ये लेंस ये सब मिलके क्या है, एक बॉल बना रही है। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रही है। तो सबसे पहले अपन कह रहे हैं स्केलरा जो है वो क्या काम कर रही है, किस किस प्रकार की एक स्ट्रक्चर है। तो स्केलरा इट इज ए आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द आई बोल। ये जो है व्हाइट फाइब्रिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। जो कनेक्टिव टिश्यू अपन स्टडी करते है, तो उसके अंदर व्हाइट फाइबर है, येलो फाइबर, कई प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज है वो अपन अध्ययन कर रही हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कि आपसे पूछ सकते हैं कि स्केलरा जो लेयर है वो विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फॉर्म ऑफ द स्केलरा लेयर, तो आपका आंसर होगा व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है वो इसको
फॉर्म कर रही है। तो इसके बाद में आप देखोगे कि यहां पर स्केलरा है, स्केलरा का तो फ्रंट साइड है, या आगे चलेंगे यहां तो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट बना रहा है, ये इतना दो पार्ट में यहां दिखा रहा हूं आपको डायग्राम के द्वारा, यहां दिखा रहा हूं कि इतना पार्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसमें से अपन आर पार देख सकते हैं। तो ऐसे पार्ट को अपन कॉर्निया कहते हैं। ये सामने का पार्ट है जिसके अंदर लाइट है वो अंदर प्रवेश कर रही है, तो ऐसे पार्ट को हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया इज ए पार्ट ऑफ द स्केलरा, यहाँ ध्यान रखिए ये स्केलरा का एक पार्ट है, लेकिन ये फ्रंट में यहाँ पर कॉर्निया बना रही है, इसको अपन कॉर्निया कहेंगे, ट्रांसपेरेंट पार्ट है। जहां से कॉर्निया और स्केलरा यहाँ आपस में ज्वाइंट होते हैं, दोनों साइड में यहाँ पर जहां से ज्वाइंट होते हैं एक जंक्शन बनाते हैं जिसे कॉर्नियल स्केलरा जंक्शन या लिम्बस के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन इसका क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा उपयोगी समझूंगा। तो लिम्बस आपसे कहते व्हाट डू यू मीन अबाउट द लिम्बस, लिम्बस इज ए कनेक्शन बिटवीन द कॉर्निया और स्केलरा, सो ऑल्सो नोन एज द कॉर्नियल स्केलरल जंक्शन ही है। द कॉर्निया सराउंडिंग बाय ए लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर इज कॉल्ड द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा ऑल्सो फॉर्म बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंजक्टिवा है वो आपसे पूछ सकते हैं कौन से एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म है, तो आपका आंसर होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से यहाँ पर फॉर्म है। तो ये एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनी जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है पूरी की पूरी आईबॉल को चारों तरफ से ही है। तो यहां मैं समझता हूं कि स्केलरा आपके पास में समझ में आया होगा। इसके बाद में इसके नीचे चले, सेकंड लेयर चले, सेकंड लेयर है उसको कोरोइड लेयर कहते हैं। कोरोइड लेयर है इसे पिगमेंटेड, इसका एक नाम और भी दिया जाता है पिगमेंटेड लेयर भी इसे कहा जाता है। पिगमेंटेड लेयर का मीनिंग है कि ये पूरी की पूरी यहाँ पर पिगमेंट है इसके अंदर उपस्थित होता है, इस लेयर को अपन कोरोइड लेयर के नाम से जानते हैं। जो आई को कलर देने का काम, अपने जो आई है उसमें डिफरेंट पर्सन के अंदर डिफरेंट कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है, यहाँ पर ब्लू कलर हो सकता है या ब्राउन कलर हो सकता है, तो ये कलर देने का काम यहाँ पर कोरोइड लेयर करती है। कोरोइड लेयर एक हाईली वेस्कुलर लेयर है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होता है और इसी कारण ऐसे न्यूट्रिएंट आई को न्यूट्रिएंट देने का काम है इसी कोरोइड लेयर के द्वारा किया जाता है। कोरोइड लेयर अपनी खुद की लेयर को तो न्यूट्रिएंट दे रही है लेकिन साथ में कुछ पार्ट जो रेटिना का है इसे भी क्या है न्यूट्रिएंट देने का यहाँ पर काम कर रही है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें, कोरोइड रेटिना को भी साथ में न्यूट्रिएंट देती है, लेकिन जैसे ही कोरोइड आगे चलती है तो कॉर्निया के ठीक नीचे इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ दो मॉडिफिकेशन होता है, एक यहाँ पर मस्कुलर स्ट्रक्चर बनती है इसे अपन सिलियरी बॉडी के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको आप सिलियरी बॉडी कहोगे। सिलियरी बॉडी के ठीक नीचे यहाँ पर एक और फ्लेक्सिबल एक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर लटकी हुई रहती है लेंस के ठीक सामने की तरफ है, तो इस स्ट्रक्चर को अपन आइरिस कहते हैं। तो आइरिस और सिलियरी बॉडी बोथ स्ट्रक्चर इज बोथ स्ट्रक्चर आर मॉडिफाइड टू द कोरोइड लेयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलियरी बॉडी का ओरिजिन कहां से हुआ, तो कोरोइड का मॉडिफाइड है, आइरिस का कहां से ओरिजिन हुआ, तो यहाँ पर भी कोरोइड का मॉडिफिकेशन है। तो ये एक यहाँ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके सामने बन रही है। तो अब आइरिस और सिलियरी बॉडी यहाँ उपस्थित है, दोनों आइरिस दो आपके पास में होगी, बीच में यह ब्रेकेज होगी, तो एक डोर्सल आइरिस कहेंगे और नीचे वाली आइरिस को अपन वेंट्रल आइरिस कहेंगे। दोनों आइरिस के बीच में एक और एक स्पेस है जो यहाँ पर फ्लेक्सिबल स्पेस है जो कम या ज्यादा हो जाता है, इसे अपन प्यूपिल के नाम से जानते हैं। ये स्पेस है प्यूपिल कहलाता है, यहाँ पर प्यूपिल है जो एक एरिया है जो कम या ज्यादा लाइट के अकॉर्डिंग हो सकता है। डिम लाइट है तो प्यूपिल का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और यदि शार्प लाइट है, तेज लाइट है, फास्ट लाइट है, डे का टाइम है, तो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाता है। तो ये प्यूपिल का साइज डिपेंड किस पे करता है, छोटा या बड़ा होना, तो ये आइरिस और सिलियरी बॉडी की मसल्स पर डिपेंड करता है। आइरिस और सिलियरी बॉडी की जो मसल्स है इसमें रेडियल मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स होती है, ये मसल्स यहाँ पर पाई जाती है। जैसे इसमें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लाइट की प्रेजेंस में या एब्सेंस में ये मसल्स कॉन्टेक्ट होके और आइरिस की साइज कंट्रोल करती है, और इस आइरिस के साइज के कारण प्यूपिल का साइज है वो यहाँ पर बदलता रहता है लाइट के अकॉर्डिंग। यदि अपन इसे और थोड़ा सा अंदर डिटेल देखें कि किस प्रकार से ये बदलता है, तो ये जो प्यूपिल का साइज या आइरिस है इसको कंट्रोल किया जाता है अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा। मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तब बताया था कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें दो टाइप है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहां मैंने एक टेबल के द्वारा मैं बता सकता हूं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करते हैं इस प्यूपिल की साइज को। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ आप पॉइंट पे यहाँ पर आइएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कब काम करते हैं, तो डिम
लाइट दो कंडीशन आपके सामने, एक लाइट डिम है या रात का समय या नाइट का टाइम है, एक लाइट शार्प है या डे टाइम है। तो डिम लाइट आपके पास में या नाइट टाइम है, नाइट टाइम के समय सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जब कोई इमेज बना रहे हो आप, नाइट टाइम में जब कोई इमेज बना रहे हो तो प्यूपिल किस प्रकार से उसका साइज चेंज होता है, कैसे ये लाइट को कंट्रोल कर रही है या ज्यादा से ज्यादा लाइट कैसे लेगी। तो बात देखिएगा, डिम टाइम में डिम लाइट में सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये रेडियल मसल्स है, उसकी रेडियल मसल्स आइरिस की रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। यहाँ पर आइरिस के अंदर मैंने कहा रेडियल मसल्स है और सर्कुलर मसल्स है वो पाई जाती है। ये मसल्स एक चीज और ध्यान रखना, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स जो आइरिस की मसल्स है ये एक एक्सेप्शनल मसल्स है। इसका ओरिजिन है वो एक्टोडर्म के द्वारा होता है, नेचर के अंदर, उमन के अंदर, एनिमल के अंदर ऑल मसल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी मेसोडर्मल लेयर। बट यहां पर आइरिस मसल्स और सीलियरी बॉडी मसल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम दी एक्टोडर्मल या एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल। ये एक यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो अपन वापिस से बात कर रहे थे डिम लाइट की। डिम लाइट के समय सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम काम करता है, इस समय ये आदेश देगा रेडियल मसल्स को। तो रेडियल मसल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जिस ही रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आइरिस का साइज है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पर आइरिस का साइज है वो डिक्रीज होगा, और आइरिस का साइज जिस ही डिक्रीज होगा तो पीपिल का साइज है वो इंक्रीज होगा, और पीपिल का साइज इंक्रीज होगा। तो इस घटना को, इस इवेंट के लिए एक वर्ड काम में लिया गया, इस घटना को, इस इवेंट को अपन माइड्रिएसिस कहते हैं। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइड्रिएसिस है वो कब होता है, नाइट टाइम होता है या डे टाइम होता है। तो आपका आंसर होगा माइड्रिएसिस है वो नाइट टाइम या डिम लाइट के टाइम है वो माइड्रिएसिस की घटना होगी। इसमें क्या होगा, तो मैंने क्या कहा फिर एक बार बता रहा हूं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम काम करेगा, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी जिससे आइरिस का साइज डिक्रीज होगा, पिपिल का साइज इंक्रीज होगा। कैसे होगा तो आपको मैं एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पर बताऊं। एक बॉल है, आई बॉल, ये सेजिटल सेक्शन दिया गया है, एक कंप्लीट बॉल होती है। इस बॉल को सामने से अपन देखें, जैसे ये एक बॉल है, इस बॉल के अंदर एक आप अपने आई के अंदर देखोगे तो एक ब्लैक ब्लैक एक प्लेस दिखाई दे रहा है, वो प्लेस है। यहाँ पर प्यूपिल है, उसके अंदर आप देखोगे कि, और आप मिरर के अंदर अपन देखें तो इसमें क्या है, लाइट के अकॉर्डिंग साइज कम या ज्यादा होता दिखाई देगा। तो यहाँ आपको दिखाया गया है, ये बीच में एक पोर दिखाया गया है, इस पोर को अपन प्यूपिल पोर कहेंगे यहाँ, और इसके सराउंडिंग ये पूरा का पूरा यहाँ पर आइरिस का एरिया है। ये पूरी आइरिस है, आइरिस के अंदर दो टाइप की मसल्स है, एक यहाँ पर रेडियल मसल दिखाई गई है, एक यहाँ पर सर्कुलर मसल दिखाई गई है। अब बात कर रहे हैं अपन डिम लाइट के समय, डिम लाइट के समय रेडियल मसल से कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये रेडियल मसल्स है, ये रेडियल मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये रेडियल मसल्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहां पर आइरिस का साइज है वो डिक्रीज होगा। ये आइरिस है, ये आइरिस का साइज, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, इधर से ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आइरिस का साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों आइरिस है वो साइज डिक्रीज होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इससे प्यूपिल का साइज ही है, जैसे ये ऊपर मूवमेंट करेगी या ये अपर मूवमेंट करेगी तो आपके प्यूपिल का साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और प्यूपिल का साइज इंक्रीज होगा तो अधिक से अधिक लाइट है उसके अंदर है वो एंटर कर पाएगी। तो इसलिए नाइट के टाइम डिम लाइट में ज्यादा से ज्यादा लाइट है वो आइज के अंदर बॉल के अंदर एंटर करे, जिससे अपन क्या साफ इमेज बना सके। तो ये इवेंट यहाँ होता है डिम लाइट के समय, जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। और अपन दूसरी बात करें, शार्प लाइट हो या तेज लाइट हो या डे के समय हो, उस समय अपना पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, काम करेगा, फंक्शन करेगा, और ये सर्कुलर मसल्स को ऑर्डर देगा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। जैसे ही सर्कुलर मसल्स, ये मसल्स है यहाँ पर, ये सर्कुलर मसल्स है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रेडियल मसल्स अब रिलैक्स होगी, तो ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी पिपिल का साइज अब डिक्रीज होगा यहाँ पर। तो ये जैसे जैसे यहाँ पर हीरे कॉन्ट्रैक्ट होगी, रेडियल आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पर पीपल का साइज अब डिक्रीज होगा, और जैसे डिक्रीज होगा तो आप यहाँ पर दिन के समय ज्यादा लाइट होती है, और ज्यादा लाइट होने के कारण यहाँ पर पोर का साइज, पीपल का साइज छोटा हो जाता है। तो एक डेफिनेट क्वांटिटी के अंदर, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अपन लाइट को अंदर एंटर करवा सकते हैं, और जिससे कि आपने इमेज अच्छी बना सकते हैं। तो अधिक लाइट को, जो लाइट वेव है उसको बाहर आइरिस के द्वारा रोक लिया जाता है। तो इस प्रकार की ये घटना यहाँ घटित होती है जब अपने डिम
लाइट और सातवें लाइट में इमेज बनाते हैं। तो ये मैं जहां तक समझता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी कि डिम लाइट के समय रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और सातवें लाइट के समय या ट्विन लाइट भी कहते हैं इसमें यहाँ पर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो यहां तक आपकी बात ये समझ में आई होगी कि किस प्रकार से डे और नाइट टाइम या डिम लाइट के समय या आयरिस में परिवर्तन होता है या चेंजेज होता है। इसके बाद में आगे चलूं मैं, तो ये बात हुई यहाँ पर सेकंड लेयर कोरियल लेयर की। तीसरी लेयर है यहाँ पर रेटिना, एक इंपॉर्टेंट लेयर है। रेटिना की अपन बात करें तो रेटिना एक न्यूरोसेंसरी लेयर है, न्यूरोसेंसरी लेयर है। ये न्यूरॉन से भी बनी हुई है और उसमें सेंसरी सेल्स से भी बनी हुई है, इसलिए अपने इसे न्यूरोसेंसरी लेयर कहेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि यहाँ पर न्यूरोसेंसरी लेयर है इसलिए इसमें फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और एक कॉर्निया जो यहाँ पर मैंने बताया, इस कॉर्निया की जो सरफेस है इसके ऊपर भी कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। उन रिसेप्टर को अपन कहते हैं पेन रिसेप्टर कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ द पेन रिसेप्टर हायर देन द फोटो रिसेप्टर, ध्यान रखना ही है। अपनी आई का रेटिना हाईली सेंसिटिव फॉर द फोटो रिसेप्टर या लाइट, हाईली सेंसिटिव फॉर द लाइट, बट यहाँ पर जो कॉर्निया है वो कॉर्निया हाईली सेंसिटिव फॉर द पेन रिसेप्टर या पेन या आउटर स्टिमुलस जो भी आ रहे हैं उसके लिए यह हाईली सेंसिटिव होते हैं। ये 2019 का एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे बच्चों का गलत भी हुआ था, जिसमें लोग ये बच्चे ये मानने लग गए कि फोटो रिसेप्टर वो ज्यादा होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में हाईली होते हैं, लेकिन यहां पर कंपेयर करें तो यहां पेन रिसेप्टर हायर देन द फोटो रिसेप्टर। तो ये ध्यान रखना, 2019 का एक क्वेश्चन था, कंपैरेटिव क्वेश्चन आया था। अब आगे अपन बात करें यहां तो रेटिना की बात करें, रेटिना एक हाईली सेंसिटिव न्यूरोसेंसरी लेयर है। मोस्टली अपन हायर स्तर पर अपन देखें तो ये रेटिना जो है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये जो रेटिना है, ये रेटिना यहां पर इंटरनल इसकी स्ट्रक्चर लेके तो 10 लेयर से यहां पर बनी हुई होती है। मोस्टली इसमें 10 लेयर होती है जिसमें आप ध्यान रखिए पहली बाहर वाली 5 लेयर है इसको न्यूट्रिशन देने का काम है या कोरोइड करता है और रिमेनिंग जो 5 लेयर है उसको न्यूट्रिशन है खुद अपने रेटिना देता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की वेस्कुलर लेयर है। लेकिन एनसीईआरटी इन 10 लेयर को नहीं कहती, एनसीईआरटी मेजर तौर पे 3 लेयर की बात करती है कि यहां पर रेटिना जो फॉर्म होता है 3 लेयर के द्वारा बनी हुई होती है, जिसमें नंबर 1 आउटर लेयर, नंबर 2 मिडिल लेयर, नंबर 3 या इनर लेयर। ये 3 लेयर यहां पर होती है, 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। आउटर लेयर है ये यहां पर बनी होती है फोटोसेंसरी सेल के द्वारा, फोटोसेंसरी सेल के द्वारा। मिडल लेयर है ये बनी होती है यहां पर बाईपोलर न्यूरॉन से यहां पर बनी होती है। और इनर जो लेयर है ये बनी होती है यहां पर गैंग्लियोनिक लेयर कहते हैं इसको, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से यहां पर बनी हुई है इसलिए अपन इसे गैंग्लियोनिक लेयर कहेंगे। तो आपके पास में आउटर टू इनर, यहां क्वेश्चन आता है आउटर टू इनर रेटिना के अंदर लेयर की सीक्वेंस क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, आउटर टू इनर फोटोसेंसरी सेल, देन बाइपोलर न्यूरॉन, देन गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये यहां पर इस पर एक सीक्वेंस के अंदर उपस्थित होते हैं आउटर टू इनर, मेजर ये 3 लेयर होती है। बाकी इसके बीच के अंदर एमेक्राइन सेल, हॉरिजॉन्टल सेल लेयर, ये कुछ अन्य सेल लेयर होती है। तो यहां पर आपको स्टडी नहीं करनी है, आगे चल के आप खूब इसकी स्टडी करोगे, इमेजेस के अंदर आप इसका खूब अध्ययन करोगे, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ क्वेश्चन बनता है। अब ये फोटोसेंसरी लेयर है, ये आउटर लेयर है और इनर लेयर है, सबसे इनर लेयर है यहाँ पर क्या गैंग्लियोनिक लेयर है। तो फोटोसेंसरी लेयर है ये फिर यहाँ पर बनी होती है, 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, सेल से बनी होती है। एक सेल वो आप कहोगे रोड सेल, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, और दूसरी सेल वो आप कहोगे यहाँ पर कौन सेल। तो रोड सेल और कौन सेल यहाँ पर उपस्थित होती है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बनाती है। रोड सेल और कौन सेल दोनों ही एक फोटोसेंसरी सेल है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राइट द नेम ऑफ रोड फोटोसेंसरी सेल या आइडेंटिफाई योर द फोटोसेंसरी सेल, तो आपका आंसर होगा रोड सेल और कौन सेल है। ये और इम्पोर्टेंट सेल है कि रोड सेल जो है, यहां मैं लिख रहा हूं रोड सेल है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट को अपन कहेंगे रोडोप्सिन पिगमेंट है, रोडोप्सिन, इस सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है इसे अपन रोडोप्सिन पिगमेंट कहेंगे। ऐसे ही कौन सेल है इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, इसको अपन है आयोडोप्सिन पिगमेंट के नाम से जानते हैं। रोडोप्सिन है वो नाइट के समय, NIGHT नाइट के समय पिगमेंट है यहां पर बना, नाइट के समय यहाँ पर इमेज बना रहा है। और कौन सेल है यहाँ पर कलर आइडेंटिफिकेशन में, कौन सेल यहाँ पर कलर आइडेंटिटी
आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल है। देखिए आप याद रखने के रोड रोड बोर रोडोप्शन रोडोप्शन बोर रात्रि या नाइट नाइट को रात्रि कह सकते हैं, इसका मीनिंग रोड है वो रोड के अंदर रोडोप्शन होता है, इसे विजुअल पिगमेंट भी कह सकते हैं, और इसके वो नाइट में हेल्पफुल है या बनाने में इमेज बनाने में, और कौन सेल है उसके अंदर एडोप्शन पिगमेंट होता है, और ये कलर आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल है। कौन अपने अंदर तीन प्रकार के होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर को प्राइमरी कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन जिसमें अपन कह सकते हैं इरिथ्रोलैब कह सकते हैं, दूसरा यहां पर क्लोरोलैब कह सकते हैं, और तीसरा यहां पर साइनोलैब तो आपके पास में तीन यहां पर प्रकार के कौन हो गए, इरिथ्रोलैब क्लोरोलैब साइनोलैब। इरिथ्रोलैब है वो रेड कलर को पहचानने में हेल्पफुल है, क्लोरोलैब है वो ग्रीन कलर पहचानने में हेल्पफुल है, और साइनोलैब है वो ब्लू कलर पहचानने में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से आप कौन सेल यहां पर काम करेंगे और रोड सेल यहां पर काम करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर बना। इसके बाद में मैं थोड़ा सा इसमें और आगे बात करूंगा, ये एक जनरल स्ट्रक्चर होगी यहां पर रेटिना की। इसके बाद में यहां बीच में लेंस है, लेंस यहां लेंस और रेटिना आपस में जुड़े हुए हैं कुछ या फाइबर से, उस फाइबर को अपन कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट, दोनों साइड में सस्पेंसरी लिगामेंट के रूप में ये फाइबर पाए जाते हैं। और लेंस है, लेंस क्या है कि एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है और बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, और साथ में इसका ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल हुआ है। लेंस क्या है, एक एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, और एक्टोडर्मल से यहाँ इसका ओरिजिन हुआ है। और अब यहाँ पर लेंस और रेटिना के बीच में ध्यान रखना है, लेंस और रेटिना के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को अपन कहेंगे विट्रस चैम्बर कहते हैं। इस विट्रस चैम्बर में एक जेली फ्लूइड भरा रहता है, एक जेली द्रव्य भरा रहता है, ये जेली द्रव्य विट्रस ह्यूमर्स कहलाता है, जो लाइफ में वन टाइम में एक बार बनता है, जिसे सीलियरी प्रोसेस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, स्रावित किया जाता है, जीवन में ये एक बार बनता है, और ये क्या करता है, इस आई बॉल की शेप को बनाए रखने में हेल्पफुल है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये फ्लूइड बनता है। इसी प्रकार लेंस और कॉर्निया के बीच में एक चैम्बर है, इसे एक्वस चैम्बर कहेंगे, जिसमें एक्वस फ्लूइड बना रहता है, एक्वस फ्लूइड जो भरा रहता है। इसके बीच यहाँ पर आयरिस इस एक्विस चैम्बर को फिर दो पार्ट में डिवाइड करती है, आयरिस और लेंस के बीच में एक चैम्बर है जिसे एट्रियल चैम्बर के नाम से, और आयरिस और कॉर्निया के बीच में एक चैम्बर है जिसे वीनस चैम्बर के नाम से जानते हैं। तो वीनस चैम्बर है और एट्रियल चैम्बर है, इसके अंदर फ्लूड रहता है, इसमें जो है वो प्योर ब्लड रहता है, इसमें इम्प्योर ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त फ्लूड रहता है। ये फ्लूड कहां से आता है, तो यहाँ पर आयरिस के ऊपर है या सीधी बॉडी के अंदर एक केनाल रहती है, इस केनाल को केनाल ऑफ स्लिम कहते हैं, स्लिम के केनाल के द्वारा इस फ्लूड को कंटिन्यू एट्रियल आर्टरी के द्वारा रिलीज की जाती है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये यहाँ पर एक चीज बनती है। ये एक और बार कॉर्निया का एक क्वेश्चन आता है, कॉर्निया एक एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, कॉर्निया इज एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं होती, कोई ब्लड वेसल्स यहाँ पर होती नहीं है, इसलिए इसे इट कैन बी इजिली ट्रांसप्लांटेड स्ट्रक्चर, तो आप कह सकते हो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने इजीली है वो अपने ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को जो इजीली ट्रांसप्लांट हो सकता है। कॉर्निया आप कब कहोगे कि ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो डायरेक्ट एयर है उससे, ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन है वो ऑब्जर्व करता है। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर यहाँ आपके सामने जनरलाइज बनी, तो मैं समझता हूँ यहाँ आपके समझ में आई होगी। यहाँ यह एक स्ट्रक्चर और है, रेटिना है, रेटिना के एक ऐसा प्लेस है जहां ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जिसके अंदर रोड अब्सेंट होती है और कॉन अब्सेंट होती है, और एक ऐसा स्पेस है जहां पर रेटिना के ऊपर एक पॉइंट है जहां पर ओनली कॉन पाई जाती है, ऐसे पॉइंट को अपन फोविया या येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है। तो स्ट्रक्चरली समराइज पार्ट आपके सामने हुआ, अब कल हम आगे चलेंगे किस प्रकार से ये आई वर्किंग करता है और कैसे आगे इमेज फॉर्म करती है, ये हम कल करेंगे। मैं जहां तक समझता हूँ कि आप इसे समझ में आया होगा, अब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।